नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं करंट इशू। आपको बता दें कि तकनीकी रूप से हम समय समय पर आपके बीच मौजूद रहते हैं तार्किक विषयों को लेकर के, पर आदतन हम आपके बीच में विकास की बात करते हैं, शहर विकास की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, परंतु आज हम आपके बीच मौजूद एक बेहद गंभीर विषय को लेकर के, और आज की हमारी चर्चा का विषय है कैसा ये इश्क है, बेहद अजीब सा रिस्क है, और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच मेहमानों की कड़ी में जुड़ चुके हैं रिटायर्ड जज, जी हाँ, सुचिता दुबे जी, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच समाज सेविका माला ठाकुर जी मौजूद हैं, जो समय समय पर समाज को आईना दिखाती है, साथ ही बच्चियों के लिए हमेशा सक्रिय भूमिका में रहती हैं और अवेयरनेस के लिए, महिला जागरूकता के लिए हमेशा अपनी अभिन्न भूमिका अदा करती हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं माला जी। सुचिता जी, कैसे देखती हैं, पहले सफर शुरू हुआ था कि किसी इंसान ने महिला को बोरी में मार करके जंगलों में फेंक दिया, फिर नाले में फेंकने लग गए। ये बोरी से सफर शुरू हुआ, सूटकेस तक पहुंचा, सूटकेस से होता हुआ फ्रिज में पहुंचा, और फिर फ्रिज से होता हुआ कुकर और मिक्सर में चला गया है। मतलब अपराध तो कर ही रहे हैं, परंतु अपराध के साथ एक ऐसा खौफनाक मंजर पेश कर रहे हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। ये वही हिंदुस्तान है जहाँ संस्कृति और संस्कारों की बात होती है, ये वही हिंदुस्तान है जहाँ आजादी के आज इतने सालों के बाद भी महिला दिवस मनाने की जरूरत पड़ती है, ये वही हिंदुस्तान है जहाँ संस्कारों की बात की जाती है, जहाँ महिलाओं को देवी स्वरूपा माना जाता है। परंतु आज हम उसी समाज में है जहाँ महिलाओं के साथ ना केवल बर्बरता की जा रही है, साथ ही इतनी निर्मम हत्या की जा रही है जो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये वही भारत देश है जिसे हमें विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। कैसे? आप बहुत ठीक कह रहे हैं। आज हमारे जो परिदृश्य है उसमें प्रायः एक दिन छोड़कर एक दिन हम इस प्रकार के घृणित अपराधों के बारे में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, तो बहुत विचलित करने वाले ये अपराध हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो अपराध किए जाते हैं वो इंसान नहीं है, वो नर पिशाच है। तो इस प्रकार किसी भी महिला के साथ में जघन्यतम कोटि के जो अपराध किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से मैं चाहती हूँ और मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमें उनके बारे में जो हम एक न्यायिक प्रक्रिया का पालन करें वो ऐसी हो कि वो समाज में भय का संचार करे, और कहीं ना कहीं हम इस प्रकार से उस न्याय व्यवस्था से उन मृतात्माओं को न्याय दिला सके और आने वाली पीढ़ी को हम कहीं ना कहीं सुरक्षित कर पाएं, इस प्रकार की हमको न्याय व्यवस्था की आवश्यकता है। तो जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि यदि इस प्रकार से कोई बहुत घृणित तरीके से, बर्बर तरीके से महिला की हत्या की जाती है, तो ऐसे किसी भी प्रकरण में तुरंत स्पेशल कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए। एक निश्चित समयावधि में ऐसे केसेस की ट्रायल की जानी चाहिए, और हमारे पास बहुत से अच्छे नियम हैं, फिर भी हम कहीं कह सकते हैं कि यदि कोई विरलतम अपराध किए गए हैं तो वहाँ पर हमको निसंकोच होकर, जहाँ मानवता को तार तार किया गया है, मानवता को शर्मसार किया गया है, तो वहाँ पर हमें अनिवार्य रूप से कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा देने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि जहाँ हमारे जो भी नियम है वो इंसान के लिए है, नर पिशाच के लिए नहीं है। माला जी, आप समय समय पर समाज में जागरूकता का संचार करती हैं, काउंसलिंग भी करती हैं, महिलाओं के साथ विशेष समय देती हैं ताकि महिलाएं जो हैं वो जागरूक रहें अपने मूल्यों को लेकर के। समाज में जिस प्रकार का परिवर्तन बीते कुछ सालों में आया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आज ही कोई घटना हुई या कल ही की कोई घटना, ये तो आदतन घटनाएं हो गई हैं। जब भी हम अखबार देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, अपनों के बीच में बैठते हैं, तो बच्चियों के प्रति होने वाले अपराध और महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसक घटनाएं अब बेहद आदतन और बहुत सामान्य हो गई हैं। हमें पहले के किस्से याद आते हैं कि जब भूले बिसरे कोई दहेज प्रताड़ना का कोई मामला आता था या भूले बिसरे कोई बलात्कार का मामला आता था, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि यार ये हमारे समाज को क्या हो गया है। परंतु माला जी, अब तो ये बहुत सामान्य घटनाक्रम हो गया है, किसी को मार देना जैसे चींटी मार देने के समान हो गया है, और किसी बच्ची, एक निर्मम बच्ची जो समझती भी नहीं है, नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देना बहुत सामान्य सा हो गया है। ऐसा परिवर्तन आखिरकार क्यों? क्योंकि आप काउंसलिंग भी लेती हैं, बच्चों के बीच में भी रहती हैं, समाज का एक अच्छे स्वरूप से आप जुड़ी हुई हैं,
तो क्या आप समझ पाती हैं कि आखिरकार अचानक से ये परिवर्तन क्यों आया है समाज में? मुझे लगता है प्रियंका जी कि सबसे पहले जो परिवार व्यवस्था है, पहले जब हम कुटुंब में रहते थे तो घर परिवार भरा पूरा रहता था, माता पिता बच्चों का जिस प्रकार से ध्यान रखते थे, साथ साथ में दादा दादी चाचा ताऊ जी ताई जी पूरा परिवार हुआ करता था। मन में सभी को एक भय भी रहता था कि अगर कभी कुछ गलत करेंगे तो मेरा पूरा परिवार है, परिवार की प्रतिष्ठा मान सम्मान का भी ध्यान रखा जाता था। ऐसा भी होता था कि हमारा जो आस पड़ोस है अगर हमने कोई गलती की है तो केवल माता पिता ही परिवार के लोग ही नहीं, आसपास वाला भी अगर कोई है तो वो डांट दे तो कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन मुझे लगता है कि आप सब मेरी बात से सहमत होंगे, आज हम जिस प्रकार के समाज में हैं, अगर मेरे बच्चे को कोई पड़ोसी डांट देता है तो बजाय अपने बच्चे से बात करने के मैं पहले पड़ोसी से लड़ने जाऊँगी उसके बाद फिर अपने बच्चे से बात करूँगी। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो समस्या ध्यान में आ रही है, हम भौतिकवाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम सोशल मीडिया की तरफ तो बढ़ते जा रहे हैं पर बहुत अनसोशल होते जा रहे हैं। परिवार टूट गए हैं और अपनी परंपरा अपनी संस्कृति और अपना जो धर्म है उससे हम कहीं तो भी बहुत पीछे हो गए हैं। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो कारण इन सब मानसिक विकृतियों का अगर कहीं तो भी दिखाई देता है तो वो परिवार व्यवस्था का प्रभावित होना दिखाई देता है। क्योंकि सुचिता जी मानिए ना कि घर में ही बहुत अलग अलग कमरे हो गए हैं और कमरों में कब बच्चे अपने अलग घर बना लेते हैं ये पता भी नहीं चलता। वाकई में माला जी का बिल्कुल ठीक कहना है कि अब हम संयोजित परिवार नहीं, अब हम एकला चलो के अभियान को फॉलो करते हैं कि हमें संयोजित परिवार में नहीं रहना है, हमारा तो छोटा परिवार सुखी परिवार की एक अलग परिभाषा अपने जहन में बैठा ली है। कहीं ना कहीं माला जी का ऐसा मानना है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है इस प्रकार के बढ़ते हुए अपराधों के लिए, क्योंकि माफ करिएगा बच्चियां जो हमें सुन पा रही है, जो युवतियां जो इस प्रोग्राम को देख पा रही है, वाकई में हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत समझदार हो गए हैं और हमारे जितना इंटेलेक्चुअल कोई है नहीं और हमारे पिता तो हमारे बारे में बहुत अच्छा सोच नहीं सकते हैं। बच्चियों को कहीं ना कहीं स्वयं में ऐसा भ्रम हो जाता है कि उनका सबसे अच्छा वे स्वयं ही चाह रही हैं, तो तब भी ऐसे अपराध जन्म लेते हैं। क्योंकि जब आपका अपना कोई नहीं होगा ना तो आपके ऊपर एक नहीं सो समस्याएं हावी होती हैं। कैसे देखते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप देखें कि जंगल का नियम है कि जब किसी भी जानवर का शिकार किया जाता है तो उसे उसके झुंड से अलग कर दिया जाता है, तो वैसे ही आज हमारे समाज में हो रहा है। सोशल मीडिया एक जंगल हो गया है, उसमें जो बच्चे हैं उन्हें उस परिवार से अपने परिवार से वो इतने सोशल मीडिया में रत हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं कि उन्हें उनके जो पास हैं उनकी खबर नहीं रहती। वहीं से उनका एक अट्रैक्शन शुरू होता है, पता नहीं चलता, एक फिक्टिशियस पर्सनैलिटी है, फिक्टिशियस दुनिया है, उसमें वो चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर जो उनका परिवार जो उनकी रक्षा करेगा, जो उनके बारे में अच्छा सोचेगा, जो उनके लिए खड़ा है, उससे वो अपने आप को दूर कर लेते हैं। और जब किसी भी एक अनजान व्यक्ति के प्रभाव में आकर उसके साथ वो अपने जीवन को व्यतीत करने का समय निर्णय ले लेते हैं और कालांतर में पता चलता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा धोखा था, तो फिर उसके बाद जिस परिवार को उन्होंने हिकारत की नज़र से देख के छोड़ दिया था वो अकेली हो जाती हैं लड़कियां। और जिसके पास वो गई होती हैं वो किसी भी समाज का हो, किसी भी प्रकार से उसने उनको उस ट्रैप में फंसाया हो, उस आदमी को समझ में आ जाता है कि अब इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, अब ये मैं इसके संग कोई भी व्यवहार कर सकता हूँ। आप प्राय देखें अभी जितने भी ताज़ा घटनाक्रम है उसमें ये हमारे देखने में आया है कि वो लड़कियाँ अपने परिवार से कट ऑफ थीं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था, तो चूंकि उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था इसलिए उनके ऊपर हर प्रकार के अत्याचार किए गए और अंततः उनकी जो पराकाष्ठा हुई वो मृत्यु में हुई, वो भी एक नृशंस हत्या की गई जो कि हर तरीके से अत्यंत निंदनीय है। तो मैं सबसे पहले आपके प्लेटफॉर्म से यही संदेश देना चाहूँगी, यही कहना चाहूँगी कि अपने परिवार से दूर न हो, आपका परिवार आपका बुरा नहीं चाहता। जो भी बच्चियाँ जो विवाह करना चाह रही हैं तो कहीं ना कहीं अपने परिवार को कॉन्फिडेंस मिले और फिर कोई निर्णय ले। चलिए आपके मन में अगर कोई भी व्यथा है, कोई भी दुख है, कोई भी परेशानी है तो वाकई में परिवार सबसे पहला होता है और अपने अपनों से अपनी समस्याएं साझा करते रहिए तो थोड़ा सा दुख भी कम हो जाएगा और समस्याएं भी आप पर हावी नहीं होंगी।
बहरहाल माला जी, ये तो ये विषय हुआ जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे श्रद्धा केस हो, चाहे 16 वर्षीय साक्षी का मामला हो, या सरस्वती वेद हो जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, पहले मारा गया, 100 टुकड़े कर दिए गए, फिर मिक्सर में पीस दिया गया, उसके बाद कुकर में उबाल दिया गया, फिर कुत्तों को खिला दिया गया। पर हम तो एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि महू में बीते 17 दिन पहले पिता अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा करता है कि पालकी में होके सवार चली रहे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रहे, और 17 दिन बाद का जो सफर होता है वो अर्थी में तब्दील हो जाता है, जिस पिया के भरोसे पिता ने बांधा था गठबंधन में कि ये होगा इसका कर्णधार, जब वही पति हैवान बन करके अपनी पत्नी को एक नहीं, दो नहीं, 10-10 बार चाकुओं से गोद देता है, तब ना तो अब यहाँ परिवार दोषी है, क्योंकि शादी तो परिवार के रजामंदी से हुई थी माला जी, और पूरे समाज के सामने हुई थी, और सभी लोग शादी में सम्मिलित भी हुए थे, अरेंज मैरिज भी बोला जा सकता है क्योंकि दोनों परिवारों की रजामंदी थी, दोनों लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे, तो जानने पहचानने के बावजूद, पूरा परिचय होने के बाद, मैंने फिर पहले भी कार्यक्रम के शुरुआत में आपसे कहा था कि आज हत्या कर देना चींटी को मारने जितना आसान हो चला है, आज किसी की हत्या करना बहुत बड़ी बात नहीं है। द्वारकापुरी में अपनी ही छोटी सी बच्ची को पिता तब तक मारता रहता है जब तक उस बच्ची के देह में से प्राण नहीं निकल जाते, तो ये कैसे पिता है और ये कैसे पति है जिसके बंधन में गठबंधन करके पिता अपनी बेटी का पूरा भविष्य छोड़ देता है महाराज। प्रियंका जी, ये तो बहुत हृदय विदारक दोनों किस्से हैं जिनका आपने उल्लेख किया, और मुझे लगता है कि इस प्रकार के समाज की कल्पना हम कभी नहीं करते। अंजलि बहन के किस्से में तो मुझे ऐसा लगता है कि जब पहली बार दहेज की मांग लड़के वालों की तरफ से की गई थी, और तब मुझे लगता है कि मायके वालों को प्रश्न उठाना चाहिए था, वहीं से मुझे लगता है गलती शुरू हुई। दोबारा जब लिवाने गए तब भी डिमांड की गई पैसे की, तब फिर पैसा दिया गया, और एक चीज़ मुझे लगता है कि उनके पिताजी के मन में हमेशा एक कसक रहेगी कि बेटी ने कहा था कि पिताजी मुझे लेने आ जाओ, और वो उस दिन शाम को नहीं जा पाए, और अगले दिन सुबह जो उनकी हत्या की खबर मिलती है। तो जैसा आदरणीय दीदी ने कहा कि ऐसे विकृत मानसिकता वाले जो लोग हैं वो समाज में लगातार बढ़ रहे हैं, इसका मुझे एक बहुत बड़ा जो कारण है वो ये भी ध्यान में आता है कि अभी हम जिस प्रकार के OTT प्लेटफॉर्म्स को देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे जिस प्रकार की पिक्चरों को देखते हैं, नशे की जो गिरफ्त में लगातार पूरा समाज आता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जब लगातार व्यक्ति नशे का आदि होता जाता है तो संवेदनाएं, भावनाएं, वो सब शून्य होती जाती हैं, एक चीज़। दूसरा ये ध्यान में आया, जैसा जब छोटी सी बिटिया का किस्सा आपने बताया, तो उस समय जब उसकी हत्या हुई तो पिता जो है वो नशे में था, नशे की हालत में उसने उसकी बच्ची को इतना मारा कि वो जब तक मरी नहीं तब तक उसको मारता गया। स्वभावतः अगर कोई सामान्य पिता है तो बच्चों के लिए उसके मन में भी जैसा माँ के अंदर ममत्व होता है वैसा पिता के अंदर भी होता है, लेकिन जैसे वो नशे की स्थिति में था तो शायद जो है वो उस प्रकार से अपना अंदर की जितनी भी सामर्थ्य था, सोचने समझने की जो शक्ति थी, वो उसको खो चुका था। दूसरा ऐसा ध्यान में आया कि इसके केस में भी यही हुआ कि जो पति है वो नशे की स्थिति में था, जैसा हमने पढ़ा है, कितना सही है वो मुझे ध्यान में नहीं, लेकिन जो पढ़ा वो मैं बता रही हूँ। तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ा कारण है कि हम किस प्रकार से इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज़ मुझे लगता है कि जिस बिटिया ने, अंजलि ने जब विवाह किया, लगभग 1.5 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे, अंजलि भी जब ये बात को जानती थी कि लगातार पति और ससुराल वाले माता पिता की तरफ दहेज के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं, तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से सभी बेटियों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी से स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, तो अपनी शर्तों पे जो है वो बातचीत करना चाहिए। दहेज जो लेना और देना दोनों अपराध है, हम सब लोग जानते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी बेटियों को सोचना चाहिए कि हम किनके साथ जीवन के विषय में सोच रहे हैं, क्योंकि अंजलि जरूर जानती थी कि जो विक्रम का चरित्र कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, तो वो एक बिल्कुल सही बात है कि लालच को आप बढ़ावा मत दीजिए, अपनी बेटियों को आत्मसम्मानी बनाइए, स्वाभिमानी बनाइए, स्वावलंबी बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए। किसी की भी गलत बात को अगर आप एक बार बर्दाश्त करते हैं तो आपको लगातार इस प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ता है, और अंजलि केस में जैसा कि अब तक सामने आया है उसके बिहाफ में तो ऐसा माना जा सकता है कि आपने गलतियों को स्वयं स्वीकारा। अगर पहली ही बार दहेज की मांग की थी शादी के कुछ दिन पहले ही, तो तभी
नकार देना चाहिए था कि ऐसा विवाह हमें मंजूर नहीं है जिसमें बेटी को बेचना पड़े कि हम पैसे देंगे, बदले में अपने कलेजे का टुकड़ा भी दे देंगे, वो तमाम सपने भी दे देंगे जो हमने बचपन से अपनी बेटी के लिए पाल के रखे थे। आप स्वयं भी माँ भी हैं सुचिता जी, एक संयोजित परिवार का संचालन करती हैं और रिटायर्ड जज हैं। आपने एक बेहद गरिमामयी पद पर रह करके बहुत सारे अच्छे फैसले भी लिए होंगे जो समाज हित में होंगे, जो देश हित में होंगे, जो हमारे मध्य प्रदेश के हित में होंगे। क्या लगता है ऐसे लोगों के लिए ऐसे कौन से कानून बनने चाहिए कि अपराधियों के जहन में कानून का खौफ तो हो? यकीन मानिए कि आज अपराधियों के मन में कानून का कोई खौफ नहीं होता है, इसीलिए इस प्रकार के अपराध आदतन होते जा रहे हैं कि ठीक है थोड़े दिन केस चलेगा, कभी जमानत पर बाहर आ जाएंगे, लंबे लंबे 20-25 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे और तब तक ना जाने कितनी अंजलियां जो है ना वो दहेज ही नहीं पता नहीं किस किस चीज की भेंट चढ़ जाएंगी। हर घरेलू हिंसा जो होती है वो कहानी दहेज उत्पीड़न की रहती है, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के जो है दहेज का मामला, बच्चों के प्रति हिंसा का मामला समय समय पर आता है। कुल मिलाकर के हमारी कानून व्यवस्था में भी कुछ ना कुछ ऐसी तब्दीली हो, क्योंकि समय की अब ये डिमांड है, ये जरूरत बन गई है कि अपराधियों में थोड़ा खौफ तो हो हमारे कानून। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सच कहा, क्योंकि हमें हमारे आप देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने का प्रावधान करता है और समाज में महिलाओं की स्थिति को सम्मानित और सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसमें और कहीं ना कहीं किसी सुधार की अपेक्षा हमको गुंजाइश है और उस दिशा में भी हमको काम करना चाहिए। इस विषय में जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एक एजेंसी है वो होती है पुलिस की एजेंसी। लेकिन आप प्रायः मैं इसको कहते हुए क्षमा चाहूँगी कि जितना महिलाओं को उस एजेंसी से सहयोग मिलना चाहिए उससे उतना त्वरित सहयोग प्राप्त नहीं मिलता है और जो छोटा सा एक नासूर था, फोड़ा था, वो नासूर बन जाता है कि यदि आप यदि वो श्रद्धा वालेकर का केस लें तो जब उसके साथ पहली बार मारपीट हुई थी और उसने पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन दी थी, शायद अब उसी स्तर पे यदि उसकी कुछ रोकथाम कर ली जाती तो इतना नृशंस हत्याकांड नहीं होता। क्योंकि जब पहला थप्पड़ पड़ता है वो हत्या की एक नींव पड़ जाती है, नींव पड़ जाती है, वो पहला गेती फावड़ा है कि उस पे वो हत्या की जा सकेगी। तो जहाँ पे पहला थप्पड़ पड़ा, पहली बार कोई फिजिकल वायलेंस हुआ, तो महिलाएं अपने पीड़ा को जाकर यदि किसी को बताना भी चाहें तो उन्हें वहाँ पर उतना सुरक्षात्मक और सकारात्मक माहौल नहीं मिलता। तो उनको लगता है कि अरे भाई क्या मतलब है, यहाँ पे जाके धक्के खाएंगे, परेशान होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बारे में कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से और हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, हमारा जो प्रशासन है, उसको मिलके कहीं ना कहीं एक ऐसी पहल करनी चाहिए कि इस प्रकार से जब कोई शुरुआत होती है तो उसको हम लाइटली न लें, उसके फॉलोअप करें, उस व्यक्ति को बुला के काउंसलिंग कराएं और यदि क्योंकि कहीं ना कहीं जो विकृतियाँ हैं वो सामने तो आ जाती है, तो यदि ऐसे कोई हमारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, हमारे को कोई इस प्रकार को उसको हम बाउंड ओवर कर सकते हैं कि भाई दूसरी बार किया तो हम इस प्रकार से आपके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, तो उन्हें बाउंड ओवर किया जा सकता है, उनकी काउंसलिंग की जा सकती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यदि किसी भी इस प्रकार के हिंसात्मक व्यवहार की परिणति हत्या जैसे जघन्य अपराध से होती है तो उसके लिए इमीडिएटली हमें स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, टाइम बाउंड डिसीजन देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जैसा कि आपने कहा कि गंगा जी में से पानी बहता रहे बहता रहे बहता रहे, नहीं, ये अब हम नहीं इसको सहन करेंगे। और यदि हत्या हुई है, इस प्रकार का कोई अपराध किया गया है, तो उसका हमको त्वरित न्याय दिया जाना चाहिए। यही एक इसका सोल्यूशन है जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। हम गलतियों को माला जी बर्दाश्त करते हैं, अपराधों को हम स्वयं ही जन्म देते हैं, ऐसा मेरा मानना है कि जैसा कि सुचिता जी ने कहा कि जब पहला ही थप्पड़ पड़े तभी विरोध कर दीजिए, पर होता कुछ और है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जब बच्चियां जब विदा होती हैं तो वो पिता के लिए कम पड़ोसियों के लिए ज़्यादा बोझ हो जाती हैं। आप भी एक समाज से बिलोंग करती, सुचिता जी आप भी एक समाज में रहती और मैं खुद भी उसी समाज का हिस्सा हूँ, और आदतन बच्चियों के मामले में होता भी यही है कि उन्हें यही सिखाया जाता है कि शादी के बाद आपका ससुराल ही आपका सब कुछ है,
तो घटनाएं बहुत सारी होती हैं, पर बच्चियां दिल में हृदय में दबाए ही रहती हैं, रोज मार खाती हैं और उन्हीं व्यवस्थाओं को फेस करती रहती हैं। कहीं ना कहीं कमी हमारे समाज की भी है, हमारे परिवार की भी है। एक तरफ अगर परिवार दोषी है तो एक तरफ निर्दोष भी है, परंतु यहाँ मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं गलती हमारी भी होती है। हम समाज को खुश करने की लालसा में अपने कलेजे के टुकड़े की खुद ही बलि देते हैं, और ऐसा एक बार नहीं है, ये तो ठीक है, ये अंजलि का मामला है, ऐसी कई अंजलियां जो हैं अपने जानों की आहुति दे चुकी हैं। हम दो दिन रोते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, सद्भावना अपनी दिखाते हैं, संवेदनाएं दिखाते हैं, मौन व्रत रख लेते हैं, और पेपर में अखबार में पढ़ने के बाद चाय पीते हुए कहते हैं कि हमारे देश को पता नहीं क्या हो गया, ये हिंदू सनातन संस्कृति को पता नहीं क्या हो गया। परंतु परिवर्तन की शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए, कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आपने कहा कि वास्तव में हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ की जो सामाजिक परिस्थिति है, वहाँ यही है कि बेटी अगर एक बार पिता के घर से डोली में गई है तो उसकी जो अर्थी है वो जो है अपने ससुराल से पति के घर से ही निकलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पहले के समय में और अभी के समय में थोड़ा सा अंतर है। अभी जो कमी लगती है वो संवाद की कमी लगती है। हम हमारे घर में फैशन के बारे में, टीवी शोज़ के बारे में, हमें क्या पसंद है, कहाँ एडमिशन लेना है, किस जगह हम जाना चाहते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। लेकिन वो सारे विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम उनके बारे में बात करते हैं क्या? तो मुझे लगता है कि पहली चीज़ ये सोचना चाहिए। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से सभी माताओं से आग्रह करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों से ज़रूर संवाद स्थापित करें। जब हम बचपन से ही अपने बच्चों से संवाद स्थापित करते हैं तो ऐसी छोटी छोटी सी जो समस्याएं उनके जीवन में आती हैं, ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं के पास एक सिक्स सेंस होता है, और वो जो छठी इंद्री है वो ज़रूर आपको महसूस कराती है कि मेरा बच्चा तकलीफ़ में है, दुख में है। क्योंकि एक माँ जब बच्चे के घर पे फ़ोन लगाती थी तो पूछती है कि आज खाने में क्या बनाया, खाया कि नहीं खाया। ये जो इस प्रकार की चीज़ें, एक अविश्वास जो दो परिवारों के बीच में आजकल चल रहा है, तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ा कारण है। कहीं तो भी ऐसा ध्यान में आता है कि इस प्रकार से आसपास के लोग क्या कहेंगे, ऐसा कहते कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पर यही अगर हम लोग सोचते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बेटियां हैं जिनको हमने दूसरे परिवारों में दिया है, उन्हें थोड़ा सा खुला मन रख कर के हमसे अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो कम से कम अपनी बात करें। या फिर उन बहनों से ये भी आग्रह है कि उनका कोई ना कोई ऐसी एक सहेली हो, या घर में भाभी है, दीदी है, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर होना चाहिए जिससे वो अपने मन की बात साझा करके अपने मन को हल्का कर सकें। तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी सुविधा होगी। सुजा जी, माला दीदी ने कई बार बोला कि जो OTT प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट परोसा जाता है, टीवी शोज, जो क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया जैसे जो सीरियल्स, वास्तव में ये अपराध करना भी सिखाते हैं। मतलब आदतन अपराधी बनना कैसे, अगर ये किसी को सीखना है। हमने शायद आफ्ताब वाले किस्से में जब श्रद्धा का मर्डर हुआ था तभी सुना भी था कि जो आफ्ताब था वो लगातार शराब के नशे में OTT पर एक ऐसा वेब सीरीज देख रहा था कि कैसे मारा जाता है और मारने के बाद बॉडी को कैसे ठिकाने लगाना है। वो आफ्ताब जो है वो OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू सीखता है किसी वेब सीरीज को देख के। तो हमारा कहीं भी तो नियंत्रण नहीं है। हम समाज के इतने बड़े ठेकेदार बन के घूमते हैं, सत्य सनातन धर्म की बात करते हैं, मंचों से जय श्री राम के नारे लगाते हैं, नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं, और ये बोलते हैं कि हमारे देश में महिला जो है एक रूप में कभी सीता है तो वो दुर्गा भी है, और सभी स्वरूप जो है एक नारी में विद्यमान है। परंतु बहुत शर्म आती है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी पुरुष प्रधान ही है, और हमें इस बात को स्वीकारने में कहीं कोई शर्म भी महसूस नहीं होती, क्योंकि आदतन जो अपराध हैं वो महिलाओं के खिलाफ ही होते हैं। ऐसे धारावाहिक जिन पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई सेंसर बोर्ड देखने वाले नहीं है कि आखिरकार कंटेंट क्या परोसा जा रहा है, आप लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हैं, आप उन अपराधियों को अपराध करना सिखाते हैं। पहले लोग मार के छोड़ देते थे, अब तो पहले मार दो, कई बार मारो, उसके बाद टुकड़े कर दो, टुकड़े करने के बाद सूटकेस में रख दो, मिक्सर में पीस दो, कुकर में उबाल दो, तालाब में दहवा दो, आप कुछ भी कर दो। ये तमाम जो रीति सिखाई गई ना, ये जो टेक्निकल मर्डर जिसको बोला जाता है, मेरे ख्याल से टेक्निकल वे में मर्डर कैसे करना है, अब तो वो सिखाया जा रहा है। आपको लगता है सुजा जी कि ऐसे धारावाहिकों को पहली फुर्सत में बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल, कि इनसे कोई अवेयरनेस नहीं हो रही है, कोई जागरूक नहीं हो रहा है, भैया इनसे तो केवल अपराध कैसे किया जाए ये सीखा जा रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अभी जिस प्रकार के जो OTT प्लेटफॉर्म पे
कंटेंट्स अवेलेबल हैं उनसे काफ़ी कुछ गलत चीज़ें समाज में जा रही हैं। तो मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत होकर इस प्लेटफॉर्म इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं इस मानसिकता पर अंकुश लगाया जाना चाहिए कि सिर्फ पैसा बनाने के लिए मिंटिंग मनी पैसा इकट्ठा हो जाए इसलिए हम हमारी जनरेशंस को ख़त्म करने नहीं दे सकते। और ये राज्य की शासन की एक जिम्मेदारी बनती है कि जैसे सेंसर बोर्ड है वैसे ही जितने भी OTT के प्लेटफॉर्म से जितने भी चैनल्स वगैरह मटेरियल्स ऑन एयर जाता है उसको कहीं ना कहीं चेक करे। और ये समाज की जिम्मेदारी तो है लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि इसमें पेरेंट्स भी अपना थोड़ा सा योगदान दें कि हमारे बच्चे दिन भर दरवाज़ा बंद करके किस चीज़ को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों से जो हमारे बीच में संवादहीनता हो गई है माँ बाप इसको मैं आप चाहें तो मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं ये हमारी जो भौतिकवादी मानसिकता है बहुत ज़्यादा भौतिकवादी मानसिकता हो गई है कि सिर्फ हम पैसा स्टेटस के पीछे भाग रहे हैं ये नहीं देख रहे कि हमारी जो असली पूंजी है हमारे जो बच्चे हैं हमारे जो नौनिहाल हैं वो कहाँ जा रहे हैं उनके दिमाग कितने पॉइजन हो गए कि वो भी इतने मटेरियलिस्टिक हो गए कि उन्हें माँ बाप से ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ज़्यादा प्यारे हो गए। तो हर आदमी कमरा बंद करके अपने प्राइवेसी में क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा तो इससे उनकी मानसिकता बिगड़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की तो जिम्मेदारी है हमारे यहाँ परिवारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मॉनिटर करें कि बच्चे इस प्रकार का कोई कंटेंट ना देखें गंदगी उनके दिमाग में ना जाए जिससे जब यदि गंदगी जाएगी तो आगे उसी को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उस पे भी हमें एक निगाह रखने की बहुत जरूरत है। माला जी कल तक सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंडिंग था कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है पर यहाँ अब्दुल नहीं यहाँ तो मनोज और विक्रम और आदित्य और ऐसे ना जाने कितने ऐसे युवा हैं जो अपन इसको तोल नहीं सकते धर्म के आधार पर। आमतौर पर कुछ दिनों से ये ट्रेंडिंग चल रहा था कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है जब आफ्ताब वाला मामला हुआ था जब साक्षी मर्डर केस में साहिल जब उसमें मुख्य आरोपी था तब ये ट्रेंडिंग था सोशल मीडिया पर कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। बच्चियों को ऐसा लगता है कि जो मेरा वाला जो साथी है वो दूसरों की तुलना में बेहतर है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अपराध और अपराधी की कोई जात नहीं होती अपराध और अपराधी का कोई संप्रदाय नहीं होता इनका तो एक ही एजेंडा होता है कि हम अपराधी हैं और हमारी मानसिकता ही अपराध करने की है और हम मुख्य रूप से अपराधी हैं किसी धर्म की नहीं। प्रियंका जी मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अपराधी की कोई जात नहीं है कोई संप्रदाय नहीं है और जिस प्रकार की तीनों घटनाओं के विषय में हमने अभी बात की तो चाहे विक्रम की बात की हो या मनोज की बात की हो लेकिन जो आपने कहा कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है कि ये बात तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि लफ्ज़ जिहाद की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं और जिन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है उसमें सब बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि आपका अब्दुल भी वैसा ही है। और यहाँ जब लफ्ज़ जिहाद की घटनाएँ आती हैं तो स्वाभाविक है कि यहाँ विशेष धर्म और विशेष संप्रदाय के जो लोग हैं उसको अंजाम दे रहे हैं। ये अवश्य है कि कुछ अभी जितने विषय हमारे सामने हैं जिसको लेकर के आज हम बैठे हैं जो जघन्य अपराध हैं वो कुछ प्रतिशत लोग ध्यान में आ रहे हैं जो उस प्रकार के अपराध करें लेकिन जब बड़ी संख्या में इन अपराधों पर ध्यान जाता है तो लगातार पिछले दो दिन पहले भी हमने एक घटना पढ़ी जिसमें जो है उसने बालक ने अपना नाम बदलकर अब्दुल नाम था और अपना नाम उसने राहुल किया। इंदौर की घटना है अपना धर्म बदला लड़की का धर्मांतरण कराया ये घटनाएं हम लगातार सुन रहे हैं लगातार पढ़ रहे हैं। तो मैं आपकी उस बात से सहमत नहीं हूँ कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं सारे अब्दुल एक जैसे हैं इस बात पर मैं तटस्थ हूँ। बहुत ताज्जुब होता है कि सत्ता पक्ष में मध्य प्रदेश में भी ऐसी पार्टी है देश में भी ऐसी पार्टी है जो सनातन धर्म का ढिंढोरा भी पीटती है राष्ट्रीय मंचों से बड़े बड़े मंचों से जय जय श्री राम के नारे भी लगाती है और स्वयं को हिंदुत्व का बहुत बड़ा ठेकेदार भी मानती है बावजूद इसके लव जिहाद के खिलाफ कोई कानून नहीं बनता सुचिता जी है कोई कानून मेरे नॉलेज में नहीं है हो सकता है शायद थोड़ा अज्ञानी हूँ मैं मुझे नहीं पता हो कि लव जिहाद पर ऐसा कोई मजबूत कानून बना दीजिए आप। आपने ना आफ्ताब का मकान तोड़ा ना कोई कार्रवाई की ना आपने साहिल जो रुद्राक्ष की गले में माला पहन लेता है और एक कलावा हाथ में पहन करके साक्षी से पहले धोखे से मोहब्बत करता है और जब बाद में साक्षी को पता चलता है कि
कि ये तो साहिल है और ये दूसरे संप्रदाय से है। जब पिताजी टोकते हैं कि दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति कभी भरोसे के लायक नहीं होते, तो साहिल इतना आक्रोशित हो जाता है कि 50 बार लगातार साक्षी को तब तक मारता रहता है जब तक वो मर नहीं जाती, और मरने के बाद भी लात से लगातार साक्षी के देह पर वार करता रहता है। एक बड़ा सा पत्थर लाता है और उसके सर पे मार देता है। फिर बात वही आएगी कि बेहद विकृत मानसिकता के लोग हैं। चलिए कानून में तब्दीली कर दीजिए, हम गुंडा तत्वों के खिलाफ तो बहुत सुबह एकदम सुबह तड़के पहुंच जाते हैं, 4 बजे बुलडोजर लेकर के, जेसीबी लेकर के नस्तनाबूद कर देते हैं, गुंडा जुलूस निकालते हैं। मुझे तो अब याद नहीं आता कि किसी रेपिस्ट का जो है जुलूस निकाला जाए पूरे जिले में कि ये वही आदमी है, ये वही हैवान है जिसने किसी बच्ची को तार तार किया, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। मुझे तो नहीं याद आता कि किसी दहेज लोभी परिवार का कहीं जुलूस निकाला जा रहा हो ताकि समाज में कोई तो अच्छा मैसेज जाए कि ठीक है जो हो गया उसको तो नहीं बदल सकते, परंतु समाज में इस कुरीतियों को बदलने के लिए कुछ तो कीजिए ताकि लोगों में खौफ तो जागृत हो। इतना कमजोर कर दीजिए, आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दीजिए कि जो दहेज की लालच रख रहे हैं, जो कुछ चाह रहे हैं, लालसा रख रहे हैं परिवार से, उनके पास जो है वो उसको भी खो बैठे। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करते। बीता 24 घंटा जो रहा वो सोशल मीडिया पर ये ट्रेंडिंग रहा सुचिता जी कि मामा जी का राज है, अगर बाबा जी का राज होता तो विक्रम का पूरा परिवार आज सड़क पर होता, ना केवल मकान पर बुलडोजर चढ़ा होता बल्कि बाबा जी जो है ना पूरे शहर में जुलूस निकाल देते। हमारे वहां ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए कहीं ना कहीं इसके लिए राजनीतिक रूप से जो हमारा शासन प्रशासन है उसमें उस प्रकार की भावना की आवश्यकता है। आप देखेंगे हमारे यहाँ जो भी अभी आजकल चल रहा है पूरी तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है, प्राय तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है। जब आप हर पक्ष को तुष्ट करना चाहोगे वो तो भगवान के लिए भी संभव नहीं है। यदि आप सिर्फ तुष्ट करना चाहेंगे, अपने इलेक्शंस को अपन फोकस करेंगे ना कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर को, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के कोई सख्त कदम उठाए जा सकेंगे। जब तक आप समाज को फोकस नहीं करेंगे, समाज में जो कार्यवाहियाँ गलत हो रही हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही नहीं करेंगे, आप सिर्फ तुष्टिकरण करते चले जाएंगे, अपने इलेक्शन को फोकस करेंगे कि हमारा वोट बैंक न टूटे, हमें लोग वोट देते रहें, तो इस प्रकार की जिस जो आप अपेक्षा कर रही हैं इस प्रकार की कठोर कार्यवाही की अपेक्षा करना बहुत मुश्किल क्या नामुमकिन है जी। तो मैं चाहती हूँ या मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब तक हमारा प्रशासन समाज के लिए कुछ करने की बहुत ज़्यादा कटिबद्धता नहीं रखेगा, ये नहीं सोचेगा, ये उनके निजी तुष्टिकरण से हटकर वो सोचे कि यदि किसी इस प्रकार का कोई कार्रवाई की जाती है, किसी अन्य धर्म की बच्ची को भगा लिया जाता है, किसी को इस प्रकार के चाकू घोंप घोंप के मार दिया जाता है, तो वहाँ पर तत्काल त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। वही संदेश क्या वर्षा जब कृषि सुखानी, जब आप 20 साल बाद यदि किसी को फांसी दे भी दे या आजन्म कारावास दे भी दे तो मतलब ही नहीं है उसका। तो आप उस लेवल पे उठे, आप जिस भी आप देश के, आप समाज के, आप प्रदेश के मुखिया हैं यदि, तो आपको सिर्फ अपने तुष्टिकरण से उठना पड़ेगा, आपको उस समाज, उस देश, उस नगर, उस प्रदेश के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी यहाँ पर एक सुशासन स्थापित हो सकता है। आप काउंसलिंग भी करती हैं माला जी, और बहुत थोड़े समय में आपसे जवाब चाहेंगे कि क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, ऐसा क्या कुछ कर देना चाहिए कि ऐसे अपराधों की रोकथाम हो और बच्चियां जागरूक हो। इसमें कोई निसंदेह ये बात सत्य है कि अब तब्दीली होना जरूरी है। अगर आप अब नहीं सुधरेंगे ना, क्योंकि आप समाज के उस व्यवस्था पर बैठे हुए हैं, एक घर में आम गृहिणी कोई डिसीजन नहीं ले सकती, वो चिल्लाने के सिवाय और जैसा कि इन्होंने कहा कि दोष लगाने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकती है सामान्य गृहिणी। परंतु जो लोग किसी मुकाम पर बैठे हैं, जो लोग डिसीजन मेकर हैं, जो लोग संविधान में सुधार कर सकते हैं, सीधा सीधा मेरा तो ये कहना है कि क्यों नहीं उनसे दरखास्त की जाए कि अब बस अब बहुत हुआ ना ये चुनाव, ये राजनीति, ये विधानसभा के चुनाव, ये लोकसभा के चुनाव, ये निगम के चुनाव, ये पंचायत के चुनाव, ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ये सब होता रहेगा। जो लोग देश में रह रहे हैं उनके संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि वो खुशहाली से अपना जीवन यापन कर सके।
देश की कोई भी बच्ची जब सड़कों पर निकले तो इस भय में ना निकले कि वो अपने घर सही सलामत पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम ये भी मानते हैं कि बच्चियां भी गलत हैं, क्योंकि हम आदतन ये देखते हैं कि बच्चियां अपने आप में इतनी ज्यादा स्वतंत्र मानसिकता की हो चुकी है, उन्हें ऐसा लगता है कि हमसे बेटर एंड बेस्ट कोई है ही नहीं। परंतु फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि कोई ना कोई सख्त निर्णय अब लेने की आवश्यकता है समाज में। माला जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम जहाँ जिस शहर में हम रह रहे हैं, लगभग 5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ बाहर से आकर के पढ़ते हैं, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सबकी अपनी अपनी काम करने की सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, लेकिन क्या जो लोग समाज में रह रहे हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो मुझे लगता है कि सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हम जैसे लोग, आप जैसे जितने भी लोग हैं, हम लोग प्रयास करें कि ऐसे कौन बच्चे हैं जो बाहर से यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, हम कैसे जो है उनको सहयोग कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कभी माँ अपने बच्चों की चिंता करती है, तो आप अगर दूर से कहीं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो आप उनसे कितनी बार पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? तो मुझे लगता है कि एक तो ये चीज़ करना चाहिए, दूसरा विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर ही प्रयास करना चाहिए कि जागरूकता अभियान चलाया जाए, और तीसरा नशे के विरुद्ध भी कोई ना कोई एक अभियान छेड़ने की आवश्यकता है। पुनः कहना चाहूँगी कि जो पूरा सिस्टम बना है उनकी सबकी सीमाएँ, हम क्या कर सकते हैं, तो क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ तो इसलिए समाज की बात करना मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि सामाजिक रूप से हम क्या कर सकते हैं। अगला कि परिवार की हमारी जो प्रणाली है, कैसे हम घरों में अपने संस्कार, अपने संस्कृति के बारे में बच्चों को बताएं। द केरल स्टोरी मुझे लगता है कि सभी लोगों ने लगभग देखी ही होगी, उसमें मुझे जो सबसे अच्छा डायलॉग लगता है वो लगता है कि जब वो बिटिया अपने पिता जो मृत्युशैया पर हैं उनसे कहती है कि आपने मुझे पिताजी सब कुछ बताया लेकिन अपने धर्म के बारे में कभी भी उतने बेहतर ढंग से नहीं बताया। तो मुझे लगता है कि जब हम धर्म, संस्कृति और परंपरा के विषय में बच्चों से बात करेंगे तो बेहतर परिणाम आएंगे। भौतिकवाद के पीछे ना भागते हुए कैसे हम समावेशी संस्कृति को लेकर के और अपनी संस्कृति के साथ आगे चल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि जितनी भी समस्याएं हैं इससे हम कुछ पा सकते हैं। चलिए, तो अपने परिवार के साथ लगातार जुड़ाव बनाए रखिए, अपने अपनों के कांटेक्ट में रहिए और अपनी हर छोटी बड़ी बातें शेयर करना सीखिए। कोई तो ऐसा अभिन्न मित्र अपने जीवन में बनाइए जिससे आप अपनी समस्याएं जो है वो शेयर कर सके। किसी कमरे तक और किसी मोबाइल तक अपने आप को सीमित मत रखिए, ये बच्चियों के लिए हम कहना चाहते हैं। वही जो अभिभावक जो अपनी बच्चियों को उच्चतम शिक्षा देना चाहते हैं, उनसे हमारी ये निजी तौर पर दरख्वास्त है कि बच्चों को आईफोन दिलाने के साथ साथ उन्हें थोड़ा सा ऐसा भी प्रशिक्षण दीजिए कि वो कराटे वराटे भी जानती हो, अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठाना जानती हो। अपनी बच्चियों को जागरूक बनाएं, सतर्क रहें, सचेत रहें। एक नए विषय के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ फिर होंगे आपके बीच हाजिर। मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड टीम के साथ।